बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल लाइफ 2 एंड टुडे द टॉपिक फॉर लेक्चर इज़ एनिमल कंडीशनिंग। माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान आमिर एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस कोर्स। कंडीशनिंग, व्हाट इज़ एनिमल कंडीशनिंग? कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर इन विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स और लर्न्स फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस इन इट्स स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। कंडीशनिंग इज़ अ बिहेवियरल प्रोसेस वेयर बाय अ रिस्पॉन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट। इसमें कोई सभी रिस्पॉन्स जो है वो मोर फ्रीक्वेंट हो सकता है या मोर प्रिडिक्टेबल हो सकता है, जो आपके पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, उसके बिहेवियर को इन अ गिवन एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रीइन्फोर्समेंट। अब ये रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दैट री इन्फोर्समेंट टिपिकली बींग अ स्टिमुलस, ये कोई स्टिमुलस भी हो सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड भी हो सकता है फॉर अ डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स, जो भी आपको रिस्पॉन्स उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या एनिमल के लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में डिज़ायर्ड है। सो बेसिकली इन कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरीज आर सेंट्रल टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एज वी प्रीवियसली मैंशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर और लर्नड बिहेवियर इन विच ईदर a given stimulus or a signal become increasingly effective in evoking a response, जिसमें कोई सभी stimulus एक effective response generate करने में कामयाब हो जाता है, या फिर in other case a response occurs when with increasing regularity in a well specified and stable environment, जिसमें एक response किसी भी environment के अंदर, specific environment के अंदर रेगुलरिटी के साथ हो रहा होता है, कंटिन्यूटी के साथ हो रहा होता है। अब कंडीशनिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक क्लासिकल कंडीशनिंग है एंड द अदर वन इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड वी विल स्टडी दोज टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो क्लासिकल कंडीशनिंग दिस इज अ टाइप ऑफ एन ओल्ड कंडीशनिंग मैथड विच इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन बिहेवियरल साइंसेस और बिहेवियरल ecology. It is a type of learning which was documented by Russian psychologist Ivan Pavlov. In his classical experiment on the salivary reflexes in the dog, Pavlov presented the food right after the sound of a bell. He conditioned the dog with different well-defined stimulus and a very kind of unnatural kind of stimulus. He associated both the stimuluses to elicit a strong response, which laid the foundation for his famous theory of classical conditioning. So in this experiment, what Pavlov does, he observed that there was an unconditional response. The dog salivate in response to seeing the food. Like उसने dog के behavior को observe किया कि dog जब भी food को देखता है वो saliva excrete करता है. That was a very simple thing, stimulus response, and that is also true for today. कि आप अगर dog के behavior को observe करें तो that excretes saliva whenever it sees the food before it. So what conditioning does, what the Pavlov does, he set an एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड ही डिवाइज एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट सेट किया जिसके अंदर उसने वन एवर द डॉग वॉज प्रेजेंटेड विद द फूड अ बेल वॉज रंग, कि उसने जब भी डॉग को फूड प्रेजेंट किया उसने साथ साथ एक बेल बजाना शुरू कर दी, एंड ही वॉज डूइंग इट रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट वॉट ही डज, उसने अपने कंडीशन रिस्पॉन्स को स्टडी करने के लिए उसने ये किया कि dog salivates in response to the bell being rung, के उसने food का stimulus, जो major main stimulus था salivation के लिए, saliva के excretion के लिए, उसने उसको गायब कर दिया, उसने उसको disappear कर दिया और उसने सिर्फ bell ringing का stimulus रहने दिया। What he observed was के सिर्फ bell ringing से ही dog ने saliva excrete करना शुरू कर दिया। That means के dog की conditioning Pavlov ने first time डिस्क्राइब कर दी कि अगर डॉग को अपना प्राइमरी या मेन स्टिमुलस नहीं मिलेगा, उसके बावजूद जो उसका सेकेंड या एसोसिएटेड स्टिमुलस होगा, दैट वाज द रिंगिंग ऑफ द बेल, ही इट विल एक्सक्रीट द सलाइवा।
After a number of repeated presentations, what Pavlov observed that the dog were conditioned, that they associated the sound of the bell with the food presentation, which was the meat in this case. So it was impossible to elicit the dog's usual response, this of salivation, to excrete the saliva with just the sound of the bell. Ke agar presentation of the meat nahi bhi ki gayi, to bhi sirf ringing of the bell ke stimulus ke upar dogs ne salivation ya saliva excrete kiya. So in this case the food was a positive reinforcement for salivation behavior. Is case mein food jo tha wo inka positive reinforcement ka reason thi, lekin this response was conditioned using a negative reinforcement. Lekin isme ringing of the bell ki saath condition karne ki wajah se same stimulus ko negative reinforcement ke taur par use kiya gaya. तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो कॉमन एग्जांपल है एनिमल किंगडम की. डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अननेचुरल या डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को विच अदरवाइज आर नॉट एसोसिएटेड एसोसिएट कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक रिस्पांस के साथ. फॉर एग्जांपल बर्ड्स लर्न टू अवॉइड सर्टेन ब्राइटली कलर्ड कैटरपिलर्स. द रीज़न इज़ दैट दे वंस टेस्टेड दैट कैटरपिलर एंड इट वॉज बेटर इन दैट टेस्ट और ड्यू टू द नॉक्शियस टेस्ट. अब उससे क्या होगा कि बर्ड्स एसोसिएट कर लेंगे उनके स्पेसिफिक कलर पैटर्न को, ब्राइट कलर पैटर्न को बैड टेस्ट के साथ या बैड ऑर्डर के साथ. अब वो क्या करेंगे, दे वुड अवॉइड ऑल द एनिमल्स विद सिमिलर कलर पैटर्न विच अदरवाइज कुड बी वेरी अट्रैक्टिव और अ वेरी एक्टिव प्रे फॉर दोज बर्ड्स, क्योंकि उनकी एसोसिएटेड लर्निंग इस तरह की हो गई है कि वो उस बिहेवियर पैटर्न के साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं और फिर उसको अवॉइड करते हैं. In this figure, the specific apparatus which Pavlov used for the classical conditioning is given in this experiment, experimental setup. This specific setup was used as this was mandatory to present the food and to ring the bell at the same time. That this was not possible ki wo food pehle present kar deta aur bell baad mein ringing hoti ya phir vice versa. Bell pehle ring ho jati aur food baad mein present hota, so that could have affected the result of this classical theory. So Pavlov ने ये वाला experiment जो है वो उस setup में specific conditions के ऊपर setup किया, जिसमें उसने dog को specific experiment के अंदर रखा और उसको food present करता था और साथ ही ringing of the bell का stimulus उसको present करता था, so that उनकी conditioning हो गई and that was able to excrete the saliva in the absence of its primary stimulus. So in this Pavlov's classical experiment, at first what was done that the conditioned stimulus, which in this case was the ringing of the bell, was followed by the unconditional stimulus, which was the presentation of the food or meat in this case, and it automatically elicited the response which was the salivation or saliva excretion. Ki jab bhi जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है फूड उसके पास प्रेजेंट है तो उसने सलाइवा एक्सक्रीट करना है, लेकिन हमने एक साथ कंडीशन एसोसिएट कर दी, दैट वाज द रिंगिंग ऑफ द बेल. बट रिपीटेड स्टिमुलेशन के साथ हमने रिपीटेड रेपिटेशन की सेम एसोसिएटेड लर्निंग की, तो उससे क्या हुआ कि हमने रिंगिंग ऑफ द बेल जो कंडीशन स्टिमुलस था हमारा, हमने उसको प्रेजेंट रखा, लेकिन जो हमारा अनकंडीशनल या मेन स्टिमुलस था दैट वाज द फूड, हमने उसको डिसअपीयर किया जब. But what was observed by Pavlov in this specific example that the dog was able to excrete the saliva, salivation usme hui, that is an example of classical conditioning which formed the basis of classical theory of Pavlov. A stimulus that initially does not elicit a response, such as the ringing of the bell, that does not create a response. कि रिंगिंग ऑफ द बेल से किसी किस्म का भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता डॉग्स में, बट अनदर स्टिमुलस विच इज़ द साइट ऑफ द फूड, कि फूड को देखने से सलाइवा एक्सक्रीट होता है. दिस न्यू प्रॉपर्टी जो थी स्टिमुलस की, दैट वॉज एसोसिएटेड और कंडीशनड ऑन इट्स एसोसिएशन विद द एस्टेब्लिश स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. इस एस्टेब्लिश स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए एक एसोसिएशन बनाई गई और उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट की गई. The stimulus is therefore referred to as conditional stimulus. ये ringing of the bell जो थी, क्योंकि ये condition थी site
ऑफ द फूड के साथ, दैट इज़ वाई दिस स्टिमुलस इज़ कॉल्ड कंडीशनल स्टिमुलस। और इसकी वजह से जो इलिसिटेड रिस्पॉन्स था यानी सलाइवा की एक्सक्रीशन, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल रिस्पॉन्स। सो बाई द सेम टोकन ये जो स्टिमुलस है एस्टैब्लिश स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के अंदर, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अनकंडीशनल स्टिमुलस सच एज द साइट ऑफ द मीट, क्योंकि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी कि सलाइवा किस इसकी प्रेजेंस में क्रिएट होगा या एब्सेंस में होगा। और इसका रिस्पांस जो था दैट वाज कॉल्ड एन अनकंडीशनल रिस्पांस, क्योंकि साइट सीइंग इज इनफ इट्स इन इटसेल्फ फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ सलाइवा। आफ्टर द क्लासिकल कंडीशन हियर कम्स द इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग विच इज अ फर्दर रिफाइंड फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। इन दिस बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग which is also known as trial and error learning, an animal learns while carrying out different behavioral patterns such as the searching actions such as walking, moving roundabout. For example, if an animal finds the food during these activities of walking and moving around, the food reinforces the behavior of that movement, that कि एक एनिमल को अगर इस मूवमेंट के बीच में कोई फूड मिलती है तो वो उसको रीइंफोर्स करता है कि वो दोबारा से वो मूवमेंट करे, एंड द एनिमल एसोसिएट द रिवॉर्ड विद द बिहेवियर, कि वो एनिमल उस मूवमेंट को एसोसिएट कर लेता है उस रीइंफोर्समेंट या फूड के साथ जो उसको उस सर्चिंग के बीच में मिलती है। इफ़ दिस एसोसिएशन इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स, अगर सिमिलर रेपिटेशन होगी इसी एसोसिएशन की कि हर सर्चिंग पे उसको फूड मिलेगा, दैट एनिमल विल लर्न द बिहेवियर दैट विल लीड टू री इन्फोर्समेंट, कि वो एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का काम करेगी कि हर दफ़ा उसको सर्चिंग पे एक फूड मिलेगा तो दैट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड दैट डायरेक्शन और इन दैट मैनर वेयर इट फाइंड्स द फूड। A classic example of instrumental conditioning is that of a rat in a Skinner box, which was developed by V.F. Skinner, a prominent psychologist. So, इस Skinner box experiment के अंदर उसने rat को use किया था, and it was a kind of trial and error learning, which devised the theory of instrumental or operant conditioning. स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर रैट को ही प्लेस्ड इट इन अ बॉक्स एंड द रैट बिगेन टू एक्सप्लोर। रैट के अंदर ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है कि वो एक्सप्लोर करते हैं, इट मूव्स ऑल अबाउट द बॉक्स एंड बाय एक्सीडेंट इट इवेंचुअली प्रेसेस अ लीवर। उसने इवेंचुअली एक लीवर प्रेस किया एंड इट वॉज रिवॉर्डेड और रीइंफोर्स्ड विद अ फूड पैलेट। तो जब उस रैट को फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में वो फूड पैलेट मिली, then the rat continuously started moving in that direction. वो rat continuously जाएगा, searching करेगा और फिर वो उसी direction में उस lever को pull करने की या push करने की कोशिश करेगा। Because the food rewards are provided each time the rat pressed the lever and the rat associate the reward with that behavior. Through repetitions, rat will learn to press the lever right away to receive the reward. With few repetitions, रैट विल गेट एन आइडिया कि उसको इस डायरेक्शन में मूव करने से ये वाली रीइंफोर्समेंट या ये वाला फूड मिलेगा, सो उसका वॉलंटरी एक्शन मूवमेंट का उसी डायरेक्शन में होगा। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द एनिमल इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग इट्स ओन रीइंफोर्समेंट। इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर या इस कंडीशनिंग के अंदर, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, एनिमल इट्सेल्फ इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वॉलंटरी एक्शन वो खुद कर रहा होता है। In instrumental condition, providing the reinforcement, which is the food in this case, it could be anything which serve as a reinforcement or a reward for an organism. Whenever the animal come closer to the lever, जब भी वो animal lever के करीब आएगा, it will continue to supply the reinforcement. उसको food मिलेगा उस lever को press करने से, तो वो animal that will touch the lever, that touching of the lever will shape the animal behavior for the rest of its life. Finally, animal kya karega? That will learn to press the lever to obtain the food. Young animals kya karte hain? They attempt to learn new motor patterns, often involve instrumental conditioning. Young animals ko aksar instrumental conditioning ki zarurat padti hai. Uski wajah ye hai ki they are not that experienced or they are not trained in that specific environment, so they learned from this instrumental conditioning के जब भी वो move करते हैं उनको reinforcement या food या उनको specific अपना response reinforcement मिलती है तो वो उस अपने voluntary action को repeatedly use करते हैं। A young bird learning to fly or a young mammal at
प्ले में इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन ऑफ सर्टन मूवमेंट्स ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स बाय प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज. This is a puzzle box which was used by Skinner to study the rat behavior. So, number first one is a version of Thorndike puzzle box, which was the simplest kind of puzzle box which was used to study the rat behavior, while the second one is the modified form of Skinner's technically more sophisticated derivatization, like इसकी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म यहाँ के ऊपर दी हुई है, जबकि स्किनर ने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ की थी और उसके अंदर डिफरेंट ट्रायल एंड एरर लर्निंग के लिए एक लीवर लगाया था और उसको फूड प्रेजेंट किया था रैट के रिपीटेड बिहेवियर्स के रिस्पांस में, और उसने फिर अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी. दैट वॉज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज आर एसोसिएटेड विद द वॉलेंट्री बिहेवियर. जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, इफ़ एन एनिमल फाइंड्स अ फूड और इफ़ एन एनिमल गेट्स अ पनिशमेंट इन रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इट्स सर्चिंग बिहेवियर और एनी अदर काइंड ऑफ बिहेवियर, दैट एनिमल एसोसिएट दैट री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव विद द वॉलेंट्री बिहेवियर, कि वो उसके साथ वॉलेंट्री एक्शन को एसोसिएट कर लेता है, कि वो अपनी कॉन्शियस एफर्ट लगाकर वो मूवमेंट करता है उस री इन्फोर्समेंट की तरफ जाने के लिए या उससे दूर जाने के लिए. फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में क्या होगा, रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर. तो अगर एक ऑर्गेनिज्म को हर दफ़ा उस एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में कोई फूड मिलेगी तो दैट विल बी अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड एनिमल विल मूव इन दैट डायरेक्शन. बट If an animal after or during this activity it gets punishment during that activity in that specific direction, that behavior would be reduced और वो उसका voluntary action या movement जो है वो cease हो जाएगी, रुक जाएगी या कम हो जाएगी. That is the negative reinforcement and these are the two type of operant conditioning. सो दोनों टाइप की कंडीशनिंग, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करने के बाद वी वुड लाइक टू हैव अ लुक ऑन व्हाट आर द डिफरेंसेस और हाउ वुड वी कैन कंपेयर द क्लासिकल कंडीशनिंग विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्लासिकल हो या ऑपरेंट, दीज आर बोथ द फॉर्म्स ऑफ लर्नड बिहेवियर्स. ये दोनों लर्नड बिहेवियर हैं जो कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर. सो क्लासिकल कंडीशन के अंदर हमने पहले भी देखा कि इसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म एसोसिएट एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स सच एज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. इट एसोसिएट विद द स्टिमुलस, इट कुड बी अ नेचुरल और अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अ कंडीशनल स्टिमुलस सच एज द रिंगिंग ऑफ द बेल एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फीट. उसको एसोसिएट कर लेता है एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स के साथ. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, एन एनिमल एसोसिएट अ वॉलेंट्री बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, कि वॉलेंट्री बिहेवियर एंड एक एनिमल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मूव करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एंड इट फाइंड्स अ फूड अ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, उसको फूड मिलती है अगर, तो वो अपना ये बिहेवियर वॉलेंट्री बिहेवियर यानी मूवमेंट का उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में या उस स्पेसिफिक एरिया में इंक्रीज कर देगा. बट इफ़ इट फाइंड्स अ नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट या उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो अपना वो बिहेवियर या वॉलेंट्री एक्शन को डिक्रीज कर देगा और वो दोबारा उस बिहेवियर को वॉलेंट्री एक्शन को रिपीट नहीं करेगा. सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेंट एंड द क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अपनी री इन्फोर्समेंट की बेस पे वो वॉलेंट्री एक्शन कर रहा होता है या बिहेवियर एक पैटर्न डिफाइन कर रहा होता है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जनरेट होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड में यू आर गोइंग टू हैव एन एनिमेटेड वीडियो ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. So that's all for today's lecture. Thank you so much. Let's talk about behaviorism. We begin in late 19th century Russia, where scientist Ivan Pavlov lived with his dogs. Whenever Pavlov would bring the dogs their food, they would salivate. One day, he walked into the room without food and was shocked to see that the dogs were still drooling in anticipation. What Pavlov had accidentally discovered was the concept of classical conditioning. He didn't have to do anything to make those dogs drool when they saw food, but Pavlov wondered if he did something to make the dogs think they were getting food, could he make them drool whenever he wanted to? And that's just what he did.
Pavlov first identified the stimulus, the thing that caused the dog's response or behavior. In this case, the stimulus was the food because it caused the dogs to salivate. Then he paired the stimulus with a separate incident, the sound of a bell. Every time Pavlov brought the dogs food, he rang a bell. Once the dogs got used to the sound of the bell at feeding time, Pavlov tried ringing the bell without giving the dogs any food. And voila, the dogs started drooling anyway. Pavlov had successfully trained the dogs to react to the new stimulus, the ringing of the bell, the same way that they reacted to food. Classical conditioning is a learning process that inspired behaviorism. By taking an unconditioned stimulus, the food that naturally caused the dogs to salivate, and combining it with something entirely neutral, the bell, he was able to remove the first stimulus and make something that was formerly neutral elicit the conditioned response. But we'll talk about that later. John B. Watson, an American psychologist, was intrigued by Pavlov's studies. He, along with many other behavioralists in the 20th century, believed that psychology should be a science, that is, based on facts and observable measurements. He believed that human development could only be based on what one could see. Watson was famous for saying he could take any child and turn him into anyone he wanted, just by changing the child's environment. A musician, a lawyer, a businessman, a doctor, even a thief or a beggar. John Watson was most famous for his work with an 11-month-old infant named Little Albert. Although his methods would be highly unethical today, Watson made great strides in the field of behavioralism and classical conditioning. For example, Watson conditioned Little Albert to have a fear of rats, using a very similar method to the one used by Pavlov. Every time Little Albert was presented with a white rat, Watson made loud noises and startled the child and made him cry. After a while, all Watson had to do was bring the rat near little Albert and the baby would scream and cry. In this experiment, the loud noises were considered the unconditioned stimulus. Little Albert didn't need to learn to be afraid of loud noises, just like the dogs in Pavlov's experiment didn't need to be taught to drool at the sight of food. These things provoke certain responses naturally. Therefore, little Albert crying serves as an unconditioned response. Crying or screaming is a baby's natural response to loud noises. Likewise, drooling is a natural response for dogs that smell good food. Once little Albert began to associate the neutral rat with the negative loud noise, the rat became the conditioned stimulus. That is, the previously neutral object that now elicits a response. In Pavlov's experiment, this was the bell that eventually made the dogs drool. And that makes little Albert's fear of the rats the conditioned response. Even though he wasn't afraid of rats at first, he eventually learned by associating rats with loud noises that upset him. B.F. Skinner, an American scientist born in 1904, took classical conditioning just one step further. Skinner is often called the father of operant conditioning, and he was most famous for conducting experiments with animals in his Skinner box. Like Watson, Skinner believed that psychology should be studied through a more objective lens, and that required hard evidence, observation, and experimentation. Operant conditioning is similar to classical conditioning, but by no means are the two the same. You see, operant conditioning involves changing one's behavior by use of reinforcement or punishment, which is given after a desired response. The behaviors that change in operant conditioning are voluntary. The behaviors operate on the environment to produce an outcome. It focuses on motivation, which is when someone or something has a strong reason to do something. Classical conditioning changes only the timing of the voluntary response.